वेलकम बैक टू आज सुबह हम वापस आ चुके हैं। आज हमारे साथ दो डिजाइनर्स मौजूद हैं। शमाइल का नाम आपने शायद अक्सर और बेशतर मेरी जुबान से सुना हो क्योंकि उनके ड्रेसेस मैं भी पहनती हूँ और आज मैंने पहना हुआ है। और उनके साथ ही हमारे बड़े यंग और अभी मर्दों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं लेकिन इस जुलाई में इनका इरादा है कि ये खवातीन के कपड़ों पे भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इमरान राजपूत मौजूद है और साथ ही हम आपको आज कुछ ऑफर भी दे रहे हैं। ऑफर बहुत ही मज़ेदार है, 4 लॉन के सूट बाय शमाइल आपको मिल सकते हैं और ये आपको मैसेज करने पे मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द शो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको जूसर ब्लेंडर मिल सकता है, उसके लिए भी 2250 पे आपने अपना नाम हमें टेक्स्ट करना है। अगर इन सब चीज़ों में से कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, अगर सिर्फ ड्रेस चाहिए, जूसर ब्लेंडर नहीं चाहिए तो ड्रेस लिख दीजिए, अगर जूसर ब्लेंडर चाहिए और ड्रेसेस नहीं चाहिए तो वो लिख दीजिए, अगर दोनों में से आप समझते हैं कुछ भी निकल आए तो सिर्फ अपना नाम भेज दीजिए। हम आज इस बात पर भी फोकस कर रहे हैं और अभी हमारी ब्रेक पर भी बात हो रही थी। मैं चाहती हूँ आप लोग जब हमें कॉल करें, अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं फैशन डिजाइनिंग के बारे में, आप खुद कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप इन लोगों से पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस भी है और अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी इंडस्ट्री के बारे में, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के बारे में इनको पता है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, जो बात मैं पहले कर रही थी कि अगर किसी को अपना बिजनेस सेटअप करना है आज के दौर में और उसका सेंस बहुत अच्छा है, डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, पैसे भी हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा? देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट जो है नुसरत, वो मेरा ख्याल से जो आप करना चाहें, सबसे पहली तहकीक ये है कि आप अपने अंदर देखें कि आपकी एक्सपर्टीज कहाँ लाइक करती है। अगर आप डिज़ाइनिंग में हैं, आप पैटर्न कटिंग में हैं, आप ग्राफिक्स में हैं, आप टेक्सटाइल डिज़ाइन में हैं, जब हम फैशन डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। डिज़ाइनिंग प्रिंट्स इज़ डिफरेंट, वीविंग अलग चीज़ है, कटिंग अलग चीज़ है, तो आप किसके स्पेशलिस्ट हैं? और चूंकि ये फॉर अ स्टार्टिंग पर्सन एट अ स्मॉल स्केल, इसका कैपिटल आउटले बहुत कम होता है, तो ये आसान चीज़ होती है स्टार्ट करना। तो आई फील कि इंसान अपने अंदर देखे पहले, अपने आप की स्ट्रेंथ को, उसको आप ले जाके कस्टमर तक। ठीक है, ये मेरी समझ में आया इमरान, अगर आपसे इसको आगे बढ़ाएं कि एक चीज़ अब मुझे समझ आ गई कि मुझे औरतों के कपड़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस तरह के कपड़ों पे करना चाहिए ये भी मुझे समझ आ गया, फॉर्मल या कैजुअल या जो कुछ भी मेरी समझ आता है। अब मुझे कस्टमर ढूंढने के लिए क्या आउटलेट बनाना पड़ेगा या दूसरे तरीके भी हैं? देखें, जहाँ तक नुसरत, मैं आपको बताऊँ, कस्टमर्स आपने बनाने हैं तो आपको सबसे पहले अपनी पीआर करनी पड़ती है और नो डाउट अगर आपने कस्टमर्स बनाने हैं तो आपको पब्लिकेशंस के लिए काम करना पड़ता है, ठीक है, मीडिया के लिए काम करना पड़ता है क्योंकि मीडिया आजकल बहुत ज्यादा, जब शमाइल ने स्टार्ट किया था उस टाइम मीडिया नहीं था, एक चैनल होता था, उसके लिए डिजाइनर्स को वो इतना हायर नहीं करते। अब माशाल्लाह हमारे यहाँ एक भरमार है चैनल्स की, लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, पब्लिकेशंस आ चुके हैं, मैगजीन्स आ चुके हैं, मैगजीन्स में आप अपने शूट देते हो तो लोग आपके काम को देखते हैं, आपको कॉल करते हैं, कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत होती है। इससे आपके, आपने मेरा कोई आउटफिट परचेज किया, आपने 10 लोगों को जाके बताया कि कहीं मैंने पहना, जी मैंने शमाइल पहना हुआ है, मैंने इमरान राजपूत पहना हुआ है, तो वो लोग हमें सर्च करेंगे। इस तरह अब तो बहुत ईजी हो गया है। एक कॉलर है हमारे साथ, फरजाना ने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरजाना, क्या हाल है? जी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं? जी, आज आपके गेस्ट दोनों बहुत अच्छे हैं और मैं शमाइल से पूछना चाहती हूँ कि लाहौर में इनकी कोई आउटलेट है और किस नाम से है? जी बिल्कुल, मैं स्टॉक करती हूँ एट फैशन पाकिस्तान फैशन लाउंज, ये लाहौर में है, जस्ट ऑफ MM आलम रोड, तो वहाँ आपको मेरी कलेक्शन मिलेगी और सितंबर में मेरा बहुत बड़ा एग्जीबिशन भी उधर आएगा एंड इन लाहौर एट फैशन पाकिस्तान काउंसिल लाउंज। जी अच्छा, ठीक है फरजाना। इसके अलावा इमरान भी जुलाई के एंड से खवातीन के भी कुछ डिजाइन्स लेकर आने वाले हैं तो वो भी आप उनको भी देख सकती हैं, चेकआउट कर सकती हैं। थैंक यू, मैनी बेस्ट विशेस। अच्छा एक बात तो बताओ फरजाना, थैंक यू करके जा रही हो, ये बताओ कि तुम डिजाइनर वेयर पहनना पसंद करती हो? जी जी। अब अच्छा लगता है, फायदा क्या है डिजाइनर के कपड़े पहनने में? आप दूसरों में प्रोमिनेंट होते हैं और अच्छा लगता है, ना सिर्फ आपको अच्छा लगता है बल्कि जो लोग देखते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है। अच्छा एक बात बताओ कि डिजाइनर वेयर महंगा होता है बहुत? हाँ ये बात तो है वाकई कि डिजाइनर जो होते हैं ये हर एक की रेंज से बाहर होता है, तो हाँ। एक ये भी पूछेगा इनसे कि इनकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर एंड होती है। अच्छा ये मैं पूछूंगी। और इसके अलावा मैं थोड़ा थोड़ा डिजाइनर्स की साइड पे हो गई हूँ क्योंकि डिजाइनिंग का मुझे भी थोड़ा शौक चढ़ा था अपने लिए और वो भी मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ तो आपको आइडिया होगा, आप भी ये कर सकते हैं, फिर आपको इन लोगों की सिचुएशन का आइडिया होगा। थैंक यू सो मच फरजाना फॉर द कॉल। हमारे साथ अगले कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम।
टीवी से हमारी आवाज सुनी तो फोन लाइन ड्रॉप हो जाएगी। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी से हमारी आवाज नहीं सुननी है? टीवी से आवाज सुननी नहीं रहा। अच्छा जी, हाँ जी फरमाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। दोनों गेस्ट आज काफी अच्छे बुलाए हैं आपने। अच्छा ले, शुक्रिया। हाँ, हाँ। तो दूसरा यही स्टार्टिंग पॉइंट पूछना था कि स्टार्टअप कैसे लिया जाए। इन्होंने कहा कि आपको पीआर बनानी पड़ती है। इमरान आप दोबारा से बता सकते हैं इनको? इमरान भाई बताइए। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको इस फील्ड में आना है, इस लाइन में आना है, सबसे पहली बात जो टू बी ऑनेस्ट लोग नहीं कहते, आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा होना चाहिए, ठीक है। आप पैसा लें, अपने पैसे के साथ अपना काम करें। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप भी मेरे साथ आ जाओ। ये सही है, ये सही है। किसी का चलता है बिजनेस होना, उसको घेर लेना चाहिए। आप मेरे साथ आ जाए, ठीक है। थैंक यू। चले फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और हमने यही बताया अभी इमरान ने जो बात कही कि आपकी पीआर होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, ऑब्वियसली भागदौड़ भी करनी पड़ती है, थोड़ा रिश्तेदारों को फ्रेंड्स को बताना पड़ता है, मीडिया में जरा हमें थोड़े कपड़े पर। आप लोग समझते हैं कि हमारी लाइफ बहुत इजी और बहुत आसान हो जाती है कि हम डिजाइनर्स हैं जी, हमारे हर काम आता है। हमें पता है कि हमारी पर्सनल लाइफ में कितने अप एंड डाउन आते हैं, हम लोग किस तरह काम करते हैं, हमारी भी बहुत भागदौड़ होती है, हमें भी अपने काम देखने पड़ते हैं, क्योंकि हमें मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को जिस तरह हम लॉन्च करते हैं उसके लिए हमें बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है। अच्छा, ये आपके अप्स एंड डाउन्स जितने भी हैं उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन इस वक्त न्यूज ब्रेक है। न्यूज आप लोग सुनते हैं या सिर्फ फैशन न्यूज सुनते हैं? आजकल तो न्यूज ही न्यूज है। अगर सुनना नहीं भी है तो सुनना पड़ेगा, और यहाँ तो जरूर सुनना पड़ेगा आपको। सुबह सुबह ये ब्रेकफास्ट है आपके लिए। अभी न्यूज सुनिए, न्यूज अपडेट है, उसके बाद हम वापस आते हैं। शमाइल के 4 लॉन सूट्स आपका वेट कर रहे हैं, और इसके अलावा जूसर ब्लेंडर भी है जो आपको मिल सकता है। 2250 पे आप मैसेज करते रहिए, हम आपसे मुलाकात करते हैं इस ब्रेक के बाद।